हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो के साथ। फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ सबे सोयाबीन की दाल, तो आप एंड तक ज़रूर देखिए। और वो सिंपल तरीके से और बहुत स्वादिष्ट बनती है, तो देख सकते हैं आप ये सोयाबीन है सफ़ेद। तो करते हैं चलिए कुकिंग स्टार्ट। तेल गर्म होने के लिए मैंने पहले से चढ़ा दिया था गैस। जब तक कि ये ब्राउन ना हो जाए, आप भी ऐसे हिलाते रहिए और एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए, अपने घर पे बहुत अच्छा बनता है। देखिए हो गया है सोयाबीन ब्राउन। वीडियो बहुत लंबी हो रही थी तो मैंने कट किया है यहाँ, तो आप समझ सकते हैं। अब मैंने डाल दिया चॉप किया हुआ प्याज और हरी मिर्च। आप जितना लेते हैं हरी मिर्च उतना डालिए। क्या आपको ऐसे ही हिलाते रहना है प्याज भी ब्राउन जब तक ना हो जाए। अब ये है गेहूं का आटा। गेहूं का आटा इस पर डलता ही है। गेहूं का आटा आप कम बनाना चाहते हो तो दाल कम डालिए, ज़्यादा बनाना चाहते हो तो ज़्यादा डालिए, अपने हिसाब से डालिए। अब आटे को भी हम ब्राउन होने तक ऐसे हिलाते रहेंगे। अब ये देखिए कलर आ चुका है, ब्राउन हो गया है आटा। तो अब डालेंगे इस पर पानी। पानी आप उतना ही ऐड कीजिए जितनी कि आप दाल बनाना चाहते हैं। मैं तो कम ही बना रही इसलिए मैंने कम पानी ऐड किया है। अब ये देखिए सब मसाले इंडियन हैं। अब मसाले डालेंगे इसमें। मसाले सारे मैं एक बाउल पे निकाल ले रही हूँ और इसका घोल घोल बना के डालूँगी मैं दाल पे। वैसे मसाले सूखे मसाले डालती तो वो सब एक जगह चिपक के फिर गलते नहीं है, एक जगह चिपक जाते हैं। उबाल आ चुका है दाल पे। अब इस पर डालेंगे हम मसाले जो घोल बना के रखा था। देखिए मसाले डाल के कितना अच्छा कलर आ चुका है। अब ऐसे हिलाते रहिए थोड़ी देर, फिर छोड़ दीजिए पकने के लिए। अब ये देख सकते हैं आप उबाल आ चुका है। अब मैंने चॉप किया हुआ टमाटर भी डाल दिया। टमाटर लास्ट पे ही डालना है, इस पर लास्ट भी डलता है टमाटर। और जो फिर मुंह पे लगते हैं ना खाते समय टमाटर, वो अच्छा रहता है, उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, गले ना टमाटर, इसीलिए लास्ट पे डालते हैं। अब ये देखिए मैंने चॉप किया हुआ धनिया भी डाल दिया। अब आप देख सकते हैं कि कलर कितना अच्छा आ चुका है, पक के कितनी गाढ़ी हो चुकी है दाल, और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है, हमें तो बहुत अच्छा लगता है। आप भी एक बार अपने घर पे बना के ज़रूर देखिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपकी दाल कैसी बनी है। अब मैं यहाँ पे लगाने जा रही हूँ देसी घी और जीरे का तड़का। देसी घी मैंने डाल दिया गर्म होने के लिए। देखिए आपके पास भी देसी घी है तो आप भी डालिए, या तो फिर वैसे ही जैसे घी का भी आप तड़का लगा सकते हैं, तेल का भी तड़का लगा सकते हैं, पर देसी घी का तड़का तो अलग ही स्वाद देता है। अब आप देख सकते हैं कि घी मेरा गरम हो चुका है। अब मैं डालूँगी इस पर जीरा जिसका मैं तड़का लगाने वाली हूँ, और थोड़ी मेरे पास पत्तियाँ हैं, इनकी भी तड़का लगता है अच्छा। तो आप देख सकते हैं कि ये तड़का भी ब्राउन हो चुका है। अब डाल दूँगी मैं ये दाल पे। हम देख रहे हैं कि कितना अच्छा कलर आ चुका है दाल का, और तड़का भी मैंने लगा दिया है, और देसी घी आप भी एक बार घर पर ज़रूर ट्राई कीजिए। अब मैं सॉल्व भी कर रही हूँ साथ ही में। आशा करती हूँ कि मेरी यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए। थैंक यू।